हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी बहुत ही डिफरेंट होने वाली है और साथ ही साथ ये जो सब्जी मैं आज बताने वाली हूँ आपको, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है क्योंकि फ्रेंड्स इसमें आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ बीन्स। यहाँ मैंने बीन्स को अच्छे से धुल के कट कर लिया है और यहाँ मैंने थोड़े से आलू कट करे हैं और थोड़ी सी मैंने यहाँ लहसुन को कट करके लिया है। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमने एक पैन में ऑयल लिया है और हम जो आलू हमने कट करके रखे हुए थे उनको हम अच्छे से डीप फ्राई करेंगे। अब फ्रेंड्स, आपके दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा कि हम आलू को पहले ऐसे डीप फ्राई क्यों कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इसके पीछे भी दो रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि जब हम इस तरीके से आलू को डीप फ्राई करते हैं तो हमारे आलू सब्जी में कच्चे नहीं रहते हैं क्योंकि हमारी सब्जी थोड़ी सॉफ्ट होती है, वो जल्दी पक जाती है। और दूसरा रीज़न ये है कि फ्रेंड्स, जब इस पे आलू को हम डीप फ्राई करते हैं तो इस पे एक क्रिस्पी लेयर बन जाती है जिससे हमारा आलू खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब फ्रेंड्स, मैंने एक पैन लिया है, उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है और साथ ही साथ मैंने राई के दाने और थोड़ा सा जीरा ऐड किया है इसमें, और साथ ही साथ मैंने इसमें थोड़ा सा लहसुन भी ऐड कर दिया है। इन सब चीज़ों को हम 1/2 मिनट तक अच्छे से चला लेंगे। और फ्रेंड्स, इसको 1/2 मिनट तक चलाने के बाद जो हमने अपनी सब्जी को कट करके रखा हुआ था, अब इसको हम इसमें डालेंगे। फ्रेंड्स, हमें अपनी सब्जी को बिल्कुल भी डीप फ्राई नहीं करना है क्योंकि फ्रेंड्स, अगर हम इसको डीप फ्राई करेंगे जो इसमें पोषक तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। हमें अपनी सब्जी को डीप फ्राई नहीं करना है, आपको केवल इसको 1 से 1.5 मिनट तक ही अच्छे से चलाना है। 1 से 1.5 मिनट के बाद ही हमारी सब्जी का कलर वो थोड़ा सा ग्रीनिश हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी का कलर चेंज हो चुका है 1 से 1.5 मिनट तक चलाने के बाद। अब मैंने इसमें अपने आलू ऐड कर दिए हैं जो मैंने फ्राइड करे हुए आलू रखे हुए थे मेरे, और इसको हम 1 मिनट तक अच्छे से चलाएंगे। इसमें थोड़ा सा पहले मैंने स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर दिया है और साथ ही साथ मैंने इसमें अपने मसाले भी ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून हल्दी ली है और थोड़ी सी कश्मीरी रेड मिर्च ली है और ये मैंने धनिया पाउडर लिया है। अब इन सब चीज़ों को हम 1 से 2 मिनट तक अच्छे से चला लेंगे जिससे हमारे मसाले हमारी सब्जी में अच्छे से कोट हो जाए और हमारी सब्जी का स्वाद बेहद अच्छा हो। फ्रेंड्स, 1 से 2 मिनट ही हम इसको चलाएंगे, ज़्यादा नहीं चलाना है क्योंकि हमें अपनी सब्जी की पौष्टिकता को बिल्कुल भी कम नहीं करना है। फ्रेंड्स, ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है, इसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। आप इस सब्जी को ज़रूर बनाकर खाइएगा और अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। देखिए फ्रेंड्स, हमने इन सब्जी को चला लिया है और हमें 2 से 3 मिनट तक इसको ढक के पका लेना है। और देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया है। गरम मसाला ऐड करने के बाद मैं इसको 1/2 मिनट तक इस तरीके से चलाऊंगी और देखिए उसके बाद हमारी सब्जी बिल्कुल एकदम रेडी है। आप इसको गर्मा गर्म रोटी पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं और आप इसको एज ए स्नैक भी ले सकते हैं फ्रेंड्स, चाय के साथ। और देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी सब्जी बनकर रेडी हुई है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होती है। अगर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो इस तरीके की पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में और आप एक बार डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। ओके, बाय।